Enzymes, past paper questions. Question 1. Using label diagrams of words as appropriate, explain why a particular enzyme may only catalyze a specific reaction on a specific substrate. हमें पता है कि enzymes जो हैं वो very specific in their reactions होते हैं क्योंकि उनका जो active site का shape होता है वो complementary to the shape of the substrate होता है. तो इसके लिए जो हमें चीज़ यहाँ बनानी है वो है lock-in की mechanism. तो हम लॉक इन की मैकेनिज्म बना के यहाँ एक्सप्लेन करेंगे कि व्हाई अ पर्टिकुलर एंजाइम में ओनली कैटलाइज अ स्पेसिफिक रिएक्शन. ठीक है ना, तो ये हम लोग इसको प्रॉपरली लेबल डायग्राम बनाएंगे. ये रहा हमारा एंजाइम, इसको हम लेबल करेंगे. ये एंजाइम है और ये एंजाइम की एक्टिव साइट है. ठीक है, और स्टेटमेंट भी हम लोग यहाँ लिखेंगे. द एक्टिव site of the enzyme has a complementary shape to the shape of the substrate. ठीक है, ये आपका स्टेटमेंट आपने लिखा है जिसकी वजह से ये स्पेसिफिक इंटरेक्शन होता है. साथ ही साथ हम बनाएंगे अब हमारा सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल, उसको लेबल भी कर देंगे हम लोग सबस्ट्रेट. ठीक है, अच्छा यहाँ पे एरो रिवर्सिबल होगी क्योंकि अगर सबस्ट्रेट एंजाइम के साथ कोलाइड करेगा तो एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स तो बन जाएगा. ठीक है ना, दिस इज द एंजाइम एंड दिस इज द सबस्ट्रेट अटैच टू द एक्टिव साइट ऑफ द एंजाइम. इसको लेबल कर देंगे हम लोग एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स. ठीक है ना, अब हमारे पास इसके साथ जो है वो एक सिंगल एरो से हम लोग बनाएंगे अब प्रोडक्ट्स. एंजाइम अपनी जगह मौजूद होगा और साथ में बन जाएंगे प्रोडक्ट्स. ये जो प्रोडक्ट्स वाली कहानी है, ठीक है, ये कब होती है, अब ये हमें यहाँ पे डिफाइन करना है. When energy available is greater than the activation energy, तो हमारा जो है वो product formation होगा. And when energy available is less than the activation energy, तो enzyme substrate complex तो बनेगा due to collision. लेकिन collision करके complex बनने से product नहीं बनता है. Product बनता है जब activation energy available हो. अगर activation energy available नहीं होगी तो substrate enzyme से फिर बाहर निकल आएगा और अलग हो जाएंगे दोनों. तो अब यहाँ पे हम लोग लिख देंगे एंजाइम रीजेनरेटेड. ठीक है, और प्रोडक्ट्स यहाँ पे लिख देंगे. ठीक है ना, एंजाइम हैज बीन रीजेनरेटेड और प्रोडक्ट्स हैव बीन फॉर्म्ड. तो ये आपका हो गया लॉकन की मैकेनिज्म. और इन्होंने बोला था यूजिंग लेबल डायग्राम्स. लेबल डायग्राम आपके सामने है. Why a particular enzyme may only catalyze a specific reaction on a specific substrate? Because the active site of the enzyme has a complementary shape to the shape of the substrate. So, enzymes are specific because they can only convert a specific substrate into their products. ठीक है, diagrammatically explained है यहाँ पे. Next, enzymes are specific type of protein molecules that catalyze biochemical reactions. Explain briefly the mechanism by which an enzyme breaks down a substrate molecule. ठीक है, सबसे पहले substrate binds to the active site of the enzyme via hydrogen bonding. ठीक है, ये हो गया. Next, अब क्या होगा, अब होगा कि दिस कॉजेस द बॉन्ड्स विद इन द सबस्ट्रेट्स विद इन द सबस्ट्रेट टू वीकन इट. ऑल्सो लोअर्स द रिक्वायरमेंट of activation energy.
ठीक है, एक्चुअली ऑब्वियसली क्योंकि एंजाइम जो है वो कैटलिस्ट, और कैटलिस्ट का काम ही है एक्टिवेशन एनर्जी को रिक्वायरमेंट को कम करना, तो इट आल्सो लोअर्स द रिक्वायरमेंट ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी. द सबस्ट्रेट ब्रेक्स टू फॉर्म प्रोडक्ट्स विच आर रिलीज्ड फ्रॉम द एक्टिव साइट. ठीक है, प्रोडक्ट जब बनेंगे तो वो एक्टिव साइट से रिलीज हो जाएंगे. एक्टिव साइट वॉज सपोज टू बाइंड टू द सबस्ट्रेट, द रिएक्टेंट. जब रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गया तो प्रोडक्ट से एक्टिव साइट जो है वो बाइंड करके नहीं रखेगा, एक्टिव साइट प्रोडक्ट्स को रिलीज कर देगा. और एंजाइम जो है इट बिकम्स अवेलेबल वंस अगेन टू कैरी आउट फर्दर रिएक्शंस. नेक्स्ट, esterases are enzymes that hydrolyzes esters. ठीक है, equation दी हुई है इधर, ester converting into carboxylic acid and alcohol. Okay, enzymes can be quite specific in their structures of the substrate they act upon. For example, an esterase isolated from the mold Aspergillus niger will hydrolyze phenyl ethanoate, but not its isomer methyl benzoate. ठीक है, outline how enzyme catalyze reactions and explain their specificity. Use diagrams in your answer where appropriate. So हमें यहाँ पे lock and key model फिर से बनाना होगा, specificity explain करने है. Enzyme बनाया, substrate बनाया, substrate की shape complementary to the active site है, enzyme substrate complex बना दिया इधर. ठीक है, फिर enzyme and products बना दिए. ये तो आपका डायग्राम हो गया, अब इसको प्रॉपरली लेबल कर देते हैं. ये है एंजाइम, ये है सबस्ट्रेट, ये है एक्टिव साइट ऑफ द एंजाइम. ठीक है, एंड देन सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स वापस सबस्ट्रेट रिलीज करेगा इफ एनर्जी अवेलेबल इज लेस देन द एक्टिवेशन एनर्जी. ये हो गया आपका एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स. ठीक है, ये हो गया आपका एंजाइम रीजनरेटेड, और ये हो गए आपके प्रोडक्ट्स. एक चीज रह गई है, इफ एनर्जी इज ग्रेटर देन द एक्टिवेशन एनर्जी, और इक्वल टू भी चलेगा. ठीक है ना, अगर बराबर है बिल्कुल एक्टिवेशन एनर्जी के तो प्रोडक्ट फॉर्मेशन होगी. तो आउटलाइन हाउ एंजाइम कैटलाइज रिएक्शंस एंड एक्सप्लेन देयर स्पेसिफिसिटी. ये हो गया, यूज डायग्राम इन योर आंसर वेयर एप्रोप्रिएट. अब इसी चीज को आपने इनवर्ट एक्सप्लेन कर देना, क्या है शेप ऑफ द एक्टिव साइट is complementary to the shape of substrate. ठीक है, और ये इसकी explanation हो गई, and that is why enzymes are specific in their action. Next, many enzymes contain transition metal complexes. ठीक है, describe with the aid of a suitable label diagram how an enzyme catalyzes the breakdown of a substrate molecule. यहाँ पे हमें again lock and key model पूछा गया हमसे, lock and key mechanism एक बार फिर बना लेते हैं. ये हमारा enzyme हो गया, ये हमारा substrate हो गया. ये हमारा enzyme substrate complex हो जाएगा, और फिर फाइनली रीजनरेटेड एंजाइम प्लस द प्रोडक्ट्स दैट इट फॉर्म्स. और इसकी लेबलिंग, एक्टिव साइट, एंजाइम, सबस्ट्रेट, एनर्जी लेस देन द एक्टिवेशन एनर्जी, एनर्जी ग्रेटर देन और इक्वल टू द एक्टिवेशन एनर्जी. दिस इज द एंजाइम substrate complex, ये आपका enzyme regenerate हो गया, और ये आपके products बन गए. ठीक है ना, अब क्या है, describe with the aid of a suitable label diagram, वो हो गया how an enzyme catalyzes the breakdown of a substrate molecule. enzymes active site has a shape complementary to a specific
सबस्ट्रेट विच बाइंड्स टू इट रिजल्टिंग इन वीकनिंग ऑफ बॉन्ड्स एंड इवेंचुअल ब्रेकिंग ऑफ सबस्ट्रेट इनटू प्रोडक्ट्स. अब इन्होंने यहाँ पे किस तरीके से होता है वो भी पूछ लिया, और आपका एंजाइम जो मैकेनिज्म है उसका लॉक एंड की का एंजाइम के एक्टिंग एज अ कैटलिस्ट इन कन्वर्जन ऑफ द सब्स्टिट्यूट टू प्रोडक्ट, लॉक एंड की मैकेनिज्म, वो भी इन्होंने पूछ लिया यहाँ पे 3 मार्क के लिए. तो इस तरीके से आपने जो है एक्सप्लेन कर दिया कि सब्स्ट्रेट का शेप कॉम्प्लीमेंट्री टू द एक्टिव साइड ऑफ द एंजाइम होता है, वो एंजाइम से बाइंड करता है, एंजाइम सब्स्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनता है, अगर एक्टिवेशन एनर्जी के बराबर इस वाले एनर्जी अवेलेबल हो तो प्रोडक्ट बन जाता है. कन्वर्ट कैसे होता है, जब सब्स्ट्रेट बाइंड करता है एंजाइम से तो उसके बॉन्ड्स वीक हो जाते हैं जिसकी वजह से वो टूट जाता है मॉलिक्यूल इनटू इट्स डिफरेंट पीसेस, और वो जो पीसेस हैं वो प्रोडक्ट्स होते हैं. यहाँ पे एक और चीज अगर आप चाहो तो मेंशन कर सकते हो कि सब्स्ट्रेट की बाइंडिंग टू द एंजाइम रिजल्ट्स इन लोअरिंग द रिक्वायरमेंट ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी, क्योंकि एंजाइम इज अ कैटलिस्ट तो उसका रोल एज अ कैटलिस्ट भी ये डिफाइन करेगा कि द एक्टिवेशन एनर्जी रिक्वायरमेंट इज लोअर्ड. ठीक है ना, यहाँ ऊपर में ब्रैकेट में नीचे जगह नहीं है, एक्टिवेशन एनर्जी रिक्वायरमेंट इज लोअर्ड. ये आपका हो गया कंप्लीट आंसर.